आज एक एक सीट की आवश्यकता है। यदि हम पंचायत है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनी रहा है तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ बहुत जरूरी है। हमें भी वह जानकारी है जौन जो रचना चल रही है कहां 4 तारीख की पहले मध्य प्रदेश की सरकार की गिरावे के षड्यंत्र में भाजपा लगी लागी कि शिवरात्रि के पहले मोदी जी का मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और व्यापक सोच रखा पार्टी अपने से ऊपर समझ तब जाएंगे हम पंचायत से कहा सुन आपने चिंता जताते कार्यकर्ताओं के बीच नजर आ रहे हैं ये हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र जारी है। लंबे अरसे के बाद जहां कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तो बार बार विपक्ष की ओर से भी कुछ ऐसे बयान सामने आए जिसके बाद कांग्रेस के नेता चिंता में है। एक नहीं दो नहीं बल्कि कई वो बयान जिसने कांग्रेस की सरकार गिराने की चुनौती दी। केवल 2 महीना हुए हैं लेकिन पूत के पांव पालने में दिखाई देने लगे। अब हम तो नहीं गिराएंगे लेकिन जिस ढंग से माहौल बन रहा है अब सीएम के साथ साथ सुपर सीएम भी है 2.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार है इसलिए अपने अंतर विरोधों से ये सरकार गिरे तो गिर जाए। भाजपा की रुचि नहीं है। भाजपा तो चाहती है कि भाई अच्छा और ये सरकार 5 सीट चलने वाली नहीं है। जिस दिन ऊपर से सिंगल मिल गया 15 दिन के अंदर उल्टा कर देंगे तुम चिंता मत कर। जब जिस दिन बोल दिया वो अपने केंद्रीय नेतृत्व ने कि करो खेल तो कर देंगे कोई बहुत मामूली बात है पर जनादेश मिला है तो उनको चलाने देते हैं। चलाते हैं कितने दिन चलाते हैं अब ये तो 2-3 महीने बाद पता चलेगा कौन कहाँ जाता है। अभी ये मंत्री लोग अपने बंगले अंगले पुतवा ले काम हमारे लोगों के आएगा। 11 दिसंबर को जो परिणाम घोषित हुआ था रात को उससे एक बीमार औलाद का जन्म हुआ है जिसका नाम कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हार्ट किसी का लगा है BSP का किसी की किडनी लगी है सपा की शरीर किसी का निर्दलियों का लगा है लूली लंगड़ी बीमार औलाद पैदा हुई है कितने दिन तक जी सकेगी। कोई सरकार गिरने में तैयार हो तो हम तो उसको अच्छा हम राजनीति में हम क्या कहेंगे मत गिरो। अगर कोई खुद गिरना चाहे तो हम क्या करेंगे हम कभी किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे लेकिन कोई टूट कर आए जो कोई आएगा उसका स्वागत है। चुनाव के बाद मैंने कहा है कि 2-3 महीने में सरकार अपने आप गिर जाएगी और उसके पीछे कारण स्पष्ट है कि ये सरकार इतने अंतर विरोधों से आपस में घिरी हुई है। गौर हो कि सिर्फ यही नहीं बल्कि पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान और BJP के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी प्रदेश की कांग्रेस के ज्यादा दिन तक चलने पर संशय जाहिर किया था और BJP नेताओं की ओर से इस तरह की बयानी अब भी जारी है। लंगड़ी और लूली सरकार उसको गिराने की जरूरत क्या है वो तो अपने आप ही गिर जाएगी। BJP नेता जहां खुद को नजूमी बता रहे हैं तो वहीं कांग्रेस नेता ऐसे BJP की छटपटाहट करार दे रहे हैं। पूर्व CM दिग्विजय सिंह का कहना है कि BJP की कोशिशें जो भी हो लेकिन कांग्रेस सरकार को कोई हिला नहीं सकता। ऐसा है कि आदतें इतनी कि बिगड़ गई थी 15 साल में कि अब सत्ता नहीं होने का दुख सता रहा लेकिन न सत्ता सरकार गिरने वाली है न कोई विधायक बिकाऊ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने भले ही वचन पत्र पर काम करते हुए 60 दिनी सफर तय कर लिया हो लेकिन लोकसभा चुनाव की आमद के साथ बार बार BJP की ओर से प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। प्रदेश की लोकसभा की 29 सीटें जीतने के लिए BJP रणनीति तैयार कर रही है तो साथ ही साथ कांग्रेस पर दबाव बनाने का काम भी जारी है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस नेताओं को लगता है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र जारी है। वी रिपोर्ट IND24।